250 ग्राम स्पेगेटी है, हमने बॉईल कर ली है। गैस ऑन करेंगे और 1.5 कप पानी इसमें हम गरम कर लेंगे। अब ये पानी गरम हो गया है, इसमें हम दूध मिक्स कर देते हैं। अब हमारा ये पानी दूध और पानी गरम हो गया है, अब हम इसमें मैदा डाल देंगे 1.5 चम्मच और इसको घोल तैयार कर लेंगे। इसको हल्के हाथ से, गांठे नहीं इसमें रहनी चाहिए, इसको हल्के हाथ से हम मिलाएंगे। जब तक इसमें गांठे हैं हम इसको हिलाएंगे और ऐसे चम्मच से दबा दबा के गांठे को खोल देंगे। अब देखिए सब गांठे इसकी घुल गई हैं और ये एक अच्छा मिक्स हो गया है। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। अब हम गैस ऑन करके ये पैन रखेंगे और इसमें अब हम बटर डालेंगे। अब ये घुल गया है, अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे और हिलाएंगे। और ये कटा हुआ अदरक डाल देंगे। अभी जैसे ही हमारा थोड़ा सा भुन जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है इसको, गैस को स्लो करेंगे। और ये मैदा जो पानी हमने घोल के रखा है, दूध और पानी, इसको हम इसमें डाल देंगे। और इसको चलाते रहेंगे। और इसमें पानी कम लगे, दूध कम लगे तो और डाल सकते हैं। अब इसको हम थिक होने तक, व्हाइट सॉस बनने तक हम इसको अच्छा चलाएंगे। अभी हमारा दूध और मैदा पक रहा है अच्छे से। अब ये देखो पक भी गया है, ये बहुत जल्दी पक जाता है। अभी हमारी सॉस थिक हो गई है। अब सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। इन चीज़ों में नमक थोड़ा कम ही डलता है। थोड़ी सी काली मिर्च, फिर हम इसको हिलाएंगे। अब हम इसमें ऑलिव थोड़े से डाल देंगे, 4-5 बस। ये ग्रीन ऑलिव्स हैं। ये ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये भी 4-5 ही डालेंगे। ये देखिए हमारी व्हाइट सॉस बहुत अच्छी बन गई है। थोड़ी सी हर्ब्स डाल देंगे टेस्ट के लिए। अब हम इसमें थोड़ा केचप डालेंगे इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। अब इसमें हम ये थोड़ी केचप डाल दिए 1 चम्मच। ये देखिए इसका रंग कितना सुंदर आ गया है। अब हम इसमें इसको हिलाएंगे और अच्छे से। अब ये उबली हुई स्पेगेटी, बॉईल हुई हुई, हम इसमें डाल देंगे सब।
और इसको हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे। ये हमारी एकदम अच्छी टेस्टी और यमी क्रीमी ये स्पेगेटी हमारी तैयार हो गई है। इसको हिलाने के लिए हम थोड़ा दूसरे चम्मच का सहारा लेंगे। अब ये देखिए एकदम अच्छी बन गई है। अब हमारी ये स्पेगेटी खाने के लिए तैयार है। इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ऊपर से। Thank you.